तो फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि घर में सब्जी खत्म हो जाती है और हस्बैंड बोलते हैं कि कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दो। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही एकदम टेस्टी सी रेसिपी लेकर के आई हूँ। आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम सबसे पहले रिफाइंड ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ आलू ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें हाई फ्लेम में इसे 2 मिनट के लिए कुक करना है। इसके बाद हम यहाँ पर 2 बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्च भी डाली है इसमें। ये सारी चीजों को हमें 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नमक डाल देते हैं, जिससे कि हमारा आलू और प्याज जो है वो जल्दी कुक हो जाएगा। ये रेसिपी एकदम डिफरेंट और अलग होने वाली है, तो आप वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। अब हम यहाँ पर डालेंगे फ्रोजन मटर। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया। आप चाहो तो मटर और आलू को स्किप भी कर सकते हो, ओनली प्याज डालकर भी ये डिश बना सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पर हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, साथ ही 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमारे जो मटर हैं वो ऑलरेडी कुक्ड होते हैं, वो फ्रोजन मटर होते हैं, तो हमें इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पर है कसूरी मेथी, तो यहाँ पर हम 1.5 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम 2 बड़े टमाटर काट कर डाल देंगे साइड में, और इसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, जिससे कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे हल्के हाथों से मैश कर लेंगे एक साइड पे। उसके बाद प्याज और आलू के साथ इसे मिक्स कर देंगे। 2 मिनट कुक करने के बाद ये ऑयल छोड़ने लगेगा। अब हम किस चीज़ की सब्जी बनाने वाले हैं अब मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हम मलाई की सब्जी बनाने वाले हैं, तो 1 कटोरी हम मलाई का इस्तेमाल करेंगे। तो घर पे तो मलाई हमेशा ही होती है, जो दूध के ऊपर से निकलती है उसी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ यहाँ पर। अब मलाई को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ज़्यादा देर के लिए कुक नहीं करेंगे, 5 मिनट के लिए इसे कुक करना है, जब तक कि इसका घी ऊपर की तरफ नहीं निकल कर आ जाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का हल्का घी ये छोड़ने लगा है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सब्जी एकदम टेस्टी बनकर रेडी होती है, घर पर आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। और जब भी ये सब्जी बनाओ तो रोटी में घी मत लगाइएगा, क्योंकि ये थोड़ी हैवी बनकर रेडी होती है। तो आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमें फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।